हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज में। आज हम बना रहे हैं केरी का मुरब्बा। केरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो केरी, ये मैंने तोतापरी केरी ली है, इसे कलमे आम भी बोलते हैं, और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 800 ग्राम शक्कर। तोतापरी केरी जो होती है वो खट्टी कम होती है, इसलिए उसमें शक्कर कम लगती है। पर यदि आप दूसरी केरी का यूज़ कर रहे हैं जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा हो, जैसे आप देसी केरी का अगर यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें शक्कर जो है बराबर लेनी पड़ती है। मतलब कि अगर 1 किलो केरी होती है तो 1 किलो ही आपको शक्कर ऐड करनी होगी। केरी को हम छील लेंगे, और छीलने के बाद केरी को हम किसने से किस लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे हम, उसमें केरी का गूदा और शक्कर दोनों ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर मीडियम आंच पर हमें इसे पकाना है। इसे जब तक हम पकाएंगे जब तक कि ये पूरा इसका पानी कट कर ये टाइट ना हो जाए। अभी ये गीला है इस तरीके से, तो हम इसे हिलाते रहेंगे, बीच में से ये नीचे से चिपकेगा नहीं। हमारा मुरब्बा थोड़ा टाइट होने लगेगा तब हमें आंच को कम कर देना है। तो मतलब ये बनने लगा है, अब ये टाइट होता जा रहा है धीरे धीरे। इसमें आपको 15-20 मिनट लगेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो अच्छे से टाइट हो जाए, नहीं तो अच्छे से नहीं हुआ, अगर कुछ कच्चापन रह गया तो वो जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए जैसे अब ये टाइट हो गया है, उसमें बुलबुले भी बहुत जल्दी जल्दी से ऐसे आपको दिख रहे हैं ये, और ये चम्मच से अपन जब हम ऊपर से इसको नीचे गिराते हैं तो धीरे से ये गिर रहा है, मतलब कि ये तैयार हो गया है। इस तरीके से ये टाइट हो जाए तो मतलब मुरब्बा बन गया है हमारा। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ये पूरा ठंडा हो जाए, अच्छे से ठंडा हो जाए, तब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में या फिर कोई जार में आप इसको रख लें, और इसे 3 से 4 महीने के लिए हम फ्रीज में रख के इसको स्टोर कर सकते हैं और केरी के मुरब्बे का मजा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।